गया है। अब इन दोनों की अगर बात चलती है तो आयोडोफोन टेस्ट मिथाइल कीटोन ही क्यों होता है, दूसरा ग्रुप क्यों नहीं होता है? बिकॉज यहाँ पे ये एसिडिक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये विद्रॉइंग ग्रुप है ना, कार्बोनेट से विद्रॉइंग ग्रुप, अगर ये विद्रॉ करता है तो यहाँ पे डेंसिटी घटती है। इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे आ गया और कुछ भी नहीं है इसके पास। बट यहाँ पे अगर कुछ भी होता है तो यहाँ पे अगर कुछ भी होता है तो इसको सपोर्ट करने के लिए देयर इज अ ग्रुप। दैट्स व्हाई अगर आयडोफॉर्म बनेगा तो यहाँ पे ब्रेक होके यहाँ पे भी आयडोफॉर्म बनेगा, यहाँ पे ब्रेक होके यहाँ पे आयडोफॉर्म नहीं बनेगा। क्लियर है? ओके, इसका मतलब है डेंसिटी जितनी घटती है वहां पे बेसिकली आयोडीन का रिएक्शन चलता है और आयोडीन जुड़ता है, तो यहाँ पे डेंसिटी घटती है। अगर मैं ऐसे ग्रुप लेती हूँ तो ये मिथाइल कीटोन इसलिए है, तो यहाँ पे डेंसिटी घटेगी, यहाँ पे आयोडोफॉर्म बनेगा, CH3 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे ये एक मिथाइल कीटोन ऐसे देखे तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी एक मिथाइल कीटोन है, सेकंड ग्रुप में देखते हैं। तो यहाँ पे विद्रॉ कर लेगा, यहाँ पे घटेगा, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे घटेगा, यहाँ पे भी बन सकता है। जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, यहाँ की जब मैं बात करती हूँ, ये क्या होगा बेसिकली ऐसे केसेस में, कहाँ पे आयोडोफॉर्म बनेगा, सॉरी कहाँ पे आयोडोफॉर्म तो बनेगा ही नहीं, यहाँ पे कहाँ पे आयोडीन का रिएक्शन दिखेगा मुझे बता देना। यहाँ पे ज्यादा डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की या यहाँ पे ज्यादा डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जहां पे होती है वहां पे इजीली रिएक्शन होता है और आयोडीन जुड़ता है। यहाँ पे ज्यादा डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे ज्यादा डेफिशिएंसी है या यहाँ पे ज्यादा डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की? यहाँ पे ज्यादा डेफिशिएंसी है ना मिडिल में, बिकॉज ये भी विद्रॉइंग ग्रुप है, ये भी विद्रॉइंग ग्रुप है, ये भी विद्रॉ करने वाला है, ये भी विद्रॉ करने वाला है, तो इसका तो पूरा जाएगा हाल पूरा। ये बीच में है, यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज्यादा घटने वाली है, तो अगर आयोडोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा तो यहाँ पे भी आई बनेगा और यहाँ पे भी आई बनेगा। यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ऐसे केसेस में बीच वाले पे रिएक्शन दिख जाता है आयोडीन का। क्लियर है? तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं दिखाएगा, आयोडोफॉर्म येलो प्रेसिपिटेट ये नहीं बनाएगा, ये बनाएगा। क्लियर है कि नहीं बोलो ओजस? मैम क्लियर? क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको देते हैं तो ध्यान रहे कहाँ पे ज्यादा बनेगा। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ इस तरीके से कोई भी एक ग्रुप यहाँ पे रह जाएगा, एनी ग्रुप यू एड हियर, आपको बोलेंगे कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा पॉजिटिव, बोलोगे क्या? बोलोगे आप दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। ये विद्रॉइंग ग्रुप है यहाँ पे खींच रहा है, ये विद्रॉइंग ग्रुप है यहाँ पे खींच रहा है, यहाँ पे डेंसिटी बहुत घटती है। अगर आयोडीन को जोड़ना होगा तो आयोडीन सीधा यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे नहीं। तो ये बेसिकली कौन से केसेस में मिथाइल कीटोन देखते हैं? दूसरे साइड अगर एल्किल ग्रुप है तो यहाँ पे बेटर दिखता है, क्योंकि एल्किल ग्रुप है, एल्किल इज ऑलवेज सपोर्टिंग, वो सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, वो यहाँ पे जो है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बनता है, यहाँ पे टूटता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस भी दे सकते हैं, आपको बोलेंगे आयोडोफॉर्म बनेगा। तो ऑल क्लियर? मानवी क्लियर? मुदित क्लियर? बोलो। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ हाँ बोलो मैम। फर्स्ट वाले कंपाउंड में आयोडोफॉर्म क्यों नहीं बनेगा? नहीं नहीं, आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा मतलब क्या पूछा गया है आपको? आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए अगर आप आर्क डालोगे, आप I2NaOH डालोगे ना, तो रिएक्शन यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे दिख जाएगा, आई आई बनेगा। आयोडोफॉर्म के लिए यू नीड दिस ग्रुप, आपको ये ग्रुप चाहिए ना, ये ग्रुप बनेगा तब जाके आपका आयोडोफॉर्म बनेगा। मान लो यहाँ पे टूटता है या फिर यहाँ पे टूटेगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? यहाँ पे अगर टूटा तो ये दो हाइड्रोजन है, पूरा आयोडोफॉर्म यहाँ पे बन जाएगा, CI3 यहाँ पे I2 बन जाएगा। तो आयोडोफॉर्म के लिए मुझे प्रॉपर एक ग्रुप चाहिए जहाँ पे टूटने के बाद आयोडोफॉर्म एंड में मरेगा ना, CHI3 कहाँ पे फॉर्मेशन होगा? CHI3 जो है फॉर्मेशन कहाँ पे? एंड ग्रुप में अगर होगा तो CHI3 बेटर निकल के आ जाएगा सामने, ये तो बीच वाले ग्रुप आ गया। बीच में से टूट गया तो
बीच में से अगर टूटेगा तो आपको दोनों बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ना, ये बॉन्ड भी टूटेगा ये बॉन्ड भी टूटेगा, तो आप कोई एक बॉन्ड को तोड़ोगे अगर आप आइडोफोन टेस्ट डाल रहे हो तो। यहाँ पे दोनों बॉन्ड ब्रेक करने के बाद फिर ही सेपरेट हो सकता है। क्या होता है, आइडोफोन बनने के लिए मिथाइल कीटोन चाहिए। मिथाइल कीटोन क्यों चाहिए आइडोफोन बनने के लिए? मिथाइल कीटोन इसलिए चाहिए क्योंकि मिथाइल कीटोन में कीटोन का नेबरिंग मिथाइल टूटता है पूरा, तो ये यहाँ पे नेबरिंग एंड में मेरा आइडोफॉर्म बना देगा पूरा। आप पूरा रिएक्शन को चेक करोगे ना कि किस तरीके से रिएक्शन जा रहा है, आप कितना आई टू डाल रहे हो। बट अगर मिथाइल कीटोन के नेबरिंग और कोई ग्रुप है फिर मिथाइल कीटोन आइडोफॉर्म नहीं दिखाएगा, दूसरी जगह पे आयोडीन जुट सकता है मेरा। और जैसे यहाँ पे, यहाँ पे करने के लिए मुझे इस बॉन्ड को भी ब्रेक करना है और इस बॉन्ड को भी ब्रेक करना है, ठीक है। ये तो मेरा बन जाएगा, चलो ये COONA बन जाएगा। ये क्या बनेगा, जहां पे ब्रेक करोगे ये पूरा जो COO एसिड बनता है ना, ये वाला पूरा एसिड बनता है। जहां पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे आयोडोफॉर्म बन जाएगा, यहाँ पे एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मोस्टली ऐसे कंपाउंड जहां पे अगर नेबरिंग विथड्रॉइंग ग्रुप वगैरह ज्यादा हो गया तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पर मिथाइल कीटोन जगह पे नहीं बनता। आयोडोफॉर्म के लिए बेस्ट होता है आयोडोफॉर्म क्या, आप हेलोफॉर्म ले लो ना, कोई भी आप हेलोफॉर्म ले लो, खाली आयोडोफॉर्म की बात नहीं है, क्लोरोफॉर्म ले लो, ब्रोमोफॉर्म ले लो, यू नीड अ मिथाइल कीटोन फॉर दैट। बट यहाँ पे मिथाइल कीटोन से भी, मिथाइल इस ग्रुप से भी और ऐसे ग्रुप भी पड़े हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और घट चुका है, तो रिएक्शन फास्टर हो जाएगा उस केसेस में, ठीक है। तो आपको थोड़ा वहां पे ध्यान ये देना है कि जो कंसेप्ट मैंने बताया, विथड्रॉइंग ग्रुप अगर साथ में है तो वहां पे ज्यादा रिएक्शन चल जाएगा। ठीक है, अब जस्ट मैंने फिर भी मैं बोल रही हूँ, ये तो 100% क्लियर है, 100% क्लियर है कि यहाँ पे नहीं बनेगा, ये बीच में बनेगा। जैसे यहाँ पे बोल रही हूँ तो यहाँ पे बनेगा, ज्यादातर बनने वाला है, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको बोल रही हूँ, ये अगर थोड़ा कंफ्यूजन आपको लग रहा है तो कमिंग क्लास आपको और क्लियर कराऊंगी मैं इसको लेके, ठीक है। नॉर्मली अगर आप डायरिज्म दे सकते हो किस चीज का मैम, हेलोफोन टेस्ट का नहीं, आयोडोफोन टेस्ट। अच्छा, आयोडोफोन टेस्ट का मैकेनिज्म तो बोल रहे हैं, क्या होता है देखो, सबसे पहले यहाँ पे Cl3 बनता है, सबसे पहला स्टेप होता है। अगर मेरा आयोडोफॉर्म जैसे यहाँ पे तो नहीं बनेगा, छोड़ो, पहले यहाँ पे Cl3 बनता है, मुझे 3HI डालना पड़ता है, 3I2 डालना पड़ता है, सॉरी मुझे 3I2 डालना पड़ता है सबसे पहले, अगर मुझे आयोडोफॉर्म दिखाना है। मान लो ऐसे कोई ग्रुप है, मुझे आयोडोफॉर्म दिखाने के लिए पहले 3I2 डालना पड़ता है, क्लियर है। 3I2 के बाद क्या होता है, 3I2 के बाद ये बनता है Cl3, ठीक है। ये पूरा हटेगा, पूरा 3 हाइड्रोजन पूरा हटेगा यहां से और ये रहता है, गॉट इट। उसके बाद मेरा क्या जाता है, NaOH। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है ये जाता है इसके पास और CHI3 बनता है, और ये जो ग्रुप है ये बनाता है ONa, इसके पास जाता है। ये है इसका स्टेप आयोडोफॉर्म टेस्ट का, सिंपल है। पहले आपको डाल देना है, फिर ये बन जाएगा इस तरीके से, फिर आप चाहो तो इसको फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये पूरा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द स्टेप, ठीक है। क्लियर है,
फिर भी मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि मैं ये क्लियर कराऊंगी, और थोड़ा सा अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो मेरे हिसाब से तो 100% नहीं होना चाहिए। फिर भी मुझे भी एक चीज ट्राई ये कर रहा है अभी कि why not two NaOH here? इस केस में अगर मैं two NaOH एक साथ डालूंगी मान लो, तो दो हाइड्रोजन इसके पास जा सकते हैं। नहीं नहीं, दो हाइड्रोजन से काम नहीं बनेगा, नो नॉट पॉसिबल। नहीं ठीक है, बिल्कुल नॉट पॉसिबल, यहाँ पे नहीं बनेगा हाइड्रोफोन। क्लियर है ना? अभी शायद तुम्हारा क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। मैं एक बार आप फर्स्ट वाले कंपाउंड में एक बार चेक करके बता देना कल। नहीं नहीं, आयोडोफॉर्म के लिए कितना आई चाहिए आपको? आयोडोफॉर्म के लिए आपको कितना आई चाहिए? 3 इज इट? आयोडोफॉर्म के लिए हम मिथाइल कीटोन क्यों लेते हैं? आयोडोफॉर्म के लिए आपको कितना आई चाहिए? 3 आई चाहिए। यहाँ पे कितना आई जुड़ेगा? नाउ क्लियर? मैम वो तो रिअरेंजमेंट के बाद हो जाएगा, Ci3 बाद में जब कंपाउंड टूटेगा। यहाँ पे तुम जब डालोगे तो क्या हो जाएगा? देखो मैं बताती हूँ, तुम्हें बताती हूँ। हम आप कल बाद में बता देना, अभी आगे कर दो थोड़ा। हाँ हाँ बोलो। एक बार चेक करके बता देना बाद में। मैं चेक करके बता दूंगी, पर स्टिल मुझे जो लग रहा है ना, यहाँ पे यहाँ तक पूरा जाएगा, मुझे 2I2 डालना पड़ेगा। ध्यान रहे मुझे यहाँ पे 2I2 डालना पड़ेगा। इस केस में 2I2 के बाद 2HI बाहर आ जाएगा और 2 आयोडीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। 2 आयोडीन जुड़ने के बाद मुझे 2NaOH डालना पड़ेगा। 2NaOH में क्या हो जाएगा, जो 2 हाइड्रोजन है इसके साथ जुड़ेंगे, CH2I2 बनेगा। CH2I2 बनेगा इसका प्रोडक्ट, और यहाँ पे बनेगा CH3COONa, और यहाँ पे बनेगा CH3COONa। 2 CH3COONa बनेंगे और यहाँ पे CH2I2 बनेगा, बट दैट इज नॉट आयोडोफॉर्म। मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 43 तो डन हो गया होगा, एक बार चेक करो मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 43 एक बार चेक करो मुझे बता दो। मानवी 43 डन है। मुदित 43 डन है। बाकी किसका डन है? कौशल ने कर लिया है 43। डाउट है। अच्छा ठीक है, बट ये सिंपल क्वेश्चन है, ये ज्यादा मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसमें कोई ऐसा कुछ है मुझे देने हैं। कंपाउंड ए C5H10Cl2 साफ दिख रहा है कि ये इस तरीके से जो ग्रुप मुझे दिया गया है ये सिंपल एल्केन के साथ क्लोरीन वगैरह जुड़ा हुआ है। ऑन हाइड्रोलिसिस गिव C5H10O दे रहा है, मतलब कीटोन दे रहा है सिंपली। और पता कैसे चला कि कीटोन है? क्योंकि वो रिएक्शन दिखाता है NH2OH के साथ और आयोडोफॉर्म बनाता है, मतलब मिथाइल कीटोन होगा, और वेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट को नहीं दिखाता है, इसका मतलब है परफेक्ट कीटोन है ये। ठीक है, तो कीटोन है, कहां से बना है मेरा? C5H10Cl2 से हाइड्रोलिसिस के बाद ये दे रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसका हाइड्रोलिसिस में एक्वस के ऊपर डाल देते हैं, हाइड्रोलिसिस चल रहा है यहाँ पे इसका। ठीक है, तो ये मुझे दे रहा है C5H10O दे रहा है। ठीक है ओके, और ये फिर बाकी तो कीटोन मुझे मिल चुका है। सबसे पहले अगर मैं मान लो मुझे, और साथ में सब कुछ डाटा के साथ मुझे ये भी मिला है कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दिखाता है और फेलिंग्स भी नहीं दिखाता है, मतलब 100% कीटोन है ये।
आइडोफोंटस दिखाता है, इसका मतलब है ये मिथाइल कीटोन है, सो मेक अ मिथाइल कीटोन आउट ऑफ इट। ये कंपाउंड होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव आइडोफोन भी दिखा रहा है, साथ में आपका NH2OH के साथ भी रिएक्शन दिखा रहा है, तो ये केस हो सकता है। अच्छा, और दोबारा और एक बात है, मुझे थोड़ा ऑप्शन पे भी चेक करना पड़ेगा, और बाकी मुझे ये कहां से बना है, यहां से बना है, तो ये कौन सा ग्रुप होना चाहिए, ये होना चाहिए ना, जब मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूं, यहां पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस दे हाइड्रोलिसिस दिया है मुझे यहां पे, हाइड्रोलिसिस के बाद ये OH बनेगा, ये OH बन जाएगा, और बनने के बाद फिर डिहाइड्रेशन के बाद, बिकॉज हाइड्रोलिसिस दिया गया है यहाँ पे, तो डिहाइड्रेशन के बाद यहाँ पे कीटोन बनाता है। हमेशा अगर जर्मिनल वाला केस है, ध्यान रहे, और अगर मैं हाइड्रोलिसिस करती हूँ, जर्मिनल है, दोनों क्लोरीन या ब्रोमीन एक जगह पे जुड़े हुए हैं, और मैं हाइड्रोलिसिस करती हूँ, तो फाइनल प्रोडक्ट कीटोन ही बनता है। सबसे पहले OH बनता है, और उसके बाद फिर डिहाइड्रेशन के बाद ये कीटोन ही फॉर्मेशन होता है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन पड़ा है, ये जो कि मुझे कीटोन दे सकता है, वो भी मिथाइल कीटोन दे सकता है, और तो कुछ भी नहीं है Cl2 के साथ। और आप कहीं पे भी यहाँ पे Cl डालो, यहाँ पे Cl डालो, कोई प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है, यहाँ पे Cl डालो, यहाँ पे Cl डालो, वो भी प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। तो अगर मुझे कीटोन चाहिए, मिथाइल कीटोन, एक ही प्रोडक्ट ये वाला है, ये रिएक्टेंट है ClCl। यार थोड़ा सा हीट एंड ट्रायल पे आपको जाना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ, एक ही ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, 51 है। यस, 51 एक बार देखो और बताओ, डाउट है क्या? और कितने क्वेश्चन बचे हैं मैं एक बार काउंट कर लेती हूँ पूरा कराने के लिए मुझे आपको। ये है, ये तो आपने कर ही लिया होगा, 100% कर दिया होगा। ये है, ये शायद थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा, बाकी तो हाँ ये मुझे कराना पड़ेगा 100%। ये भी मुझे कराना है, वो काफी सारे क्वेश्चन पड़े हैं बेटे अभी तो, काफी सारे क्वेश्चन है मैम, पेपर 20 questions का था, 20 questions का है। और आप मुझे खुद बताओ, तो यहाँ पे आगे ऐसे बहुत और भी क्वेश्चन है जो आपके डाउट है भी, मुझे लग रहा है मैम आगे तो मेरे मोस्टली सारे ही डाउट है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कल कोई टाइम दे सकते हैं आप मुझे? मैम कल ट्यूसडे है ना, तो मैम अब तो सुबह से क्लासेस तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएंगी 1 बजे से पहले, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैम 1 बजे तो स्कूल वाले छोड़ेंगे, उसके बाद घर आने में को 1 घंटा तो निकल जाएगा। कल मैंने इक्विलिब्रियम का रखा है, कल 8:30 बजे ना इक्विलिब्रियम का टेस्ट, मैम आप नया डालोगे या फिर वही पिछले वाला ही है? पिछला मेरे ख्याल से सारा नहीं करवाया था मैंने, कहाँ करवाया था? नहीं हुआ था ना, काफी कुछ बाकी था और मुझे थोड़ा बताना है आपको, हिंट्स वगैरह देना है उसमें थोड़ा सा ना। हाँ, स्कूल खुल गया होगा ना, स्कूल खुल गया होगा, सो मैं वही बोल रही हूँ ना कि थोड़ा टाइम निकालना है बच्चे, कल मैं आज थोड़ा सा ही करा देती हूँ लास्ट, चलो उसके बाद हम चलेंगे फिर। कल 8:30 बजे मैंने इक्विलिब्रियम का रखा है, पूरा पैक चल रहा है ना, क्या करें बोलो ना, क्या करें, क्या कर सकते हैं, 1 से 2 भी तो पॉसिबल नहीं है डे टाइम। मुझे भरोसा नहीं है ना कि आपने कहां तक रिवीजन करा है। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद मैं फिर छुट्टी करेंगे, ठीक है, और आगे के बहुत कुछ मुझे, हाँ यस,
ठीक है, तो 51 पे चलते हैं, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, उसके बाद फिर चलेंगे। अच्छा, ये मेरा ऐसे दिया गया है, ठीक है, इसका ओजोनोलिसिस करा गया है और साथ में जिंक CH2COOH थोड़ा एसिडिक मीडियम में डाला गया है यहाँ पे, ठीक है, और प्रोडॉप एक्स बना है और फिर OH माइनस के साथ हीट डाला गया है और हीट के साथ वाई फॉर्मेशन हो रहा है। आपको एक्स और वाई पूछा गया है, क्या पूछा गया है? अच्छा, वाई पूछा गया है, चलो ठीक है। अच्छा, जब मैं ओजोनोलिसिस करूंगी जिंक डस्ट के प्रेजेंस में, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? आपको पता है जहां पे भी एल्कीन होता है, ये ब्रेक होता है, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड बनेगा। इज इट बनेगा, इसका प्रोडक्ट जो है इस तरीके से बनेगा ना? ठीक है, और इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। ये इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, ठीक है, ओके, यहाँ पे इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है कि नहीं? बोलो, ओजोनोलिसिस के बाद प्रोडक्ट तो यही बनने वाला है ना? क्लियर है ओजस? यू गॉट दिस? जी मैम, ये वाला तो आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये एक्स है, OH माइनस और हीट के साथ जहां पे आप एल्डिहाइड कीटोन देख लेते हो और वहां पे बेसिक मीडियम हीट के साथ दिया गया है, तो कौन सा रिएक्शन डालोगे यहाँ पे? थोड़ा सा बेसिक, हल्का सा बेसिक मीडियम डाला गया है हीट के साथ, क्या जाएगा? एल्डोल जाएगा, एल्डोल जाएगा, एंड दैट टू इंट्रामोलिकुलर एल्डोल जाएगा। अब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में क्या हो जाएगा? इसका अल्फा के साथ इसका रिएक्शन चलेगा, इसके अल्फा के साथ इसका रिएक्शन चलेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? प्रोडक्ट बनेगा, मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना, ये यहाँ पे जुड़ेगा इसके साथ, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये यहाँ पे जुड़ेगा इसके साथ, जुड़ जाएगा ये यहाँ पे इसके अल्फा के साथ जुड़ेगा ऐसे। क्लियर है? ठीक है, तो मेरा जो बॉन्ड बनने वाला है कितना बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन का सबसे पहले एक बॉन्ड बनाते हैं, ये बनेगा बॉन्ड एक, ये एक है, मैं इसको मान लेती हूँ। यहाँ पे अगर मैं चलू तो मान लो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O और CH3 बन जाएगा, और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, इसका ये अल्फा पोर्शन है, इसकी टोन का ये अल्फा है, तो यहाँ पे इसके साथ इसका रिएक्शन चलेगा। क्लियर है? ये जुड़ेगा इसके साथ, क्लियर है? डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा डेफिनेटली, तो मुझे डबल बॉन्ड यहाँ पे बना देना है। देख लो, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? देख लो, देखो फटाफट से, जस्ट 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया, ऐसा ऑप्शन है क्या? देख लो, है ए ऑप्शन है ना? हाँ जी मामी, ए ऑप्शन है। तो ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, और एक चीज बता देती हूँ, फिर कैसे पता चलेगा? इसके साथ जो रिएक्शन दिखा सकता था ना, इसन्ट इट, ये भी तो अल्फा है, अगर कीटोन यहाँ पे है तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा है, यहाँ पे भी रिएक्शन दिखा सकता था, यहाँ पे इनफैक्ट बेटर रिएक्शन दिखाना चाहिए, दिस इज मोर एसिडिक, बट द थिंग इज दैट आपका साइक्लोहेप्टेन बन जाएगा, साइक्लोहेप्टीन बन जाएगा, टोटल 7 कार्बन साइकिल में रह जाएंगे। क्लियर है? तो मैम, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है? कम है, स्टेबिलिटी बहुत कम है, स्टेबिलिटी कम है। आप यहाँ पे इसको जोड़ सकते थे, इस तरीके से जोड़ सकते थे, यहाँ पे भी बन सकता था, तो वहां पे साइक्लोहेप्टीन बनेगा, तो दिस इज बेटर, सबसे बेस्ट स्टेबिलिटी होती है साइक्लोहेक्सीन या हेक्सेन का, 6 कार्बन वाला साइक्लोहेक्सीन का।
उसके बाद हम ज्यादा प्रेफरेंस दिखाते हैं, फिर इसमें जाएगा तो बेटर है थोड़ा सा। अगर मान लो यहाँ पे जोड़ता और 6 कार्बन का कोई रिंग बनता तो यहाँ पे जुड़ता, यहाँ पे नहीं जुड़ता। ऑल क्लियर? यस क्लियर है। तभी मैंने यहाँ पे जोड़ा है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जोड़ूंगी तो ये 7 कार्बन का रिंग बनेगा। मैम मेरे को लगा 6 कार्बन का बन जाएगा, मैंने बी कर दिया था स्टेबिलिटी। नहीं, 6 कार्बन का नहीं बनेगा यहाँ पे, बट तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो, तुमने यहाँ तक करा भी है वो जस्ट यहाँ तक कर सॉल्व कर लिया ऐसे। हाँ वहां तक तो मैम काफी हद तक कर लिया था मैंने, बस बहुत वो अच्छा। डबल बॉन्ड बनाने में गड़बड़ कर दी मैंने। नहीं सही जा रहे हो फिर। मैम ये वाला आपने क्वेश्चन, आपने ऐसा क्वेश्चन पिछले क्लास कराया था, कराया है, मैंने कराया वहीं है, से देख के करा था। हाँ हाँ बिल्कुल कराया है मैंने, कराया है। तो देख लो कौशल, मुदित, मानवी, जितने बच्चे यहाँ पे हो, अमन, सारे क्लियर है कि नहीं मुझे बोल दो। आज वैसे बच्चे बहुत कम आए हैं। ऑल क्लियर? किसी को डाउट नहीं है? क्लियर है पूरा? अगर मेरा ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले, अगर आप, दिस इज नोन एज इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है और हम बेहतर मानते हैं इसको, बट ये अगर ज्यादा साइक्लिक रिंग बना रहा है, ज्यादा कार्बन कंटेनिंग रिंग अगर बना रहा है, तो मैं इसको स्किप करूंगी और यहाँ पे जोड़ दूंगी इसको लेके। आगे और एक एग्जाम्पल है, इसके बाद वाला शायद एग्जाम्पल है, जहां पे परफेक्टली हेक्सेन बन रहा है, साइक्लोहेक्सेन बन रहा था, तो उस टाइम फिर मैंने इसको, मुझे इसको लेना है फिर, अगर साइक्लोहेक्सेन या हेक्सेन बन रहा है तो मुझे इसको प्रेफरेंस देना है फिर उस टाइम, दिस मोर एसिडिक। ठीक है, तो इस तरीके से एल्डोल बना के ये प्रोडक्ट बन जाएगा। कौशल एक बार चेक करो क्लियर है कि नहीं, मुदित चेक करो, मानवी, अमन चेक करो। हाँ बच्चे नहीं आए हैं आज, उदय भी है, उदय भी है, उदय प्रेजेंट है। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो चलते हैं, आज इतना रखते हैं, काफी टाइम भी हो चुका है हमारा, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं, इसके बाद जितने क्वेश्चन है, मुझे और एक क्लास चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें मुझे एक दो चीजें आपको बतानी है। ठीक है, तो टाइम हो जाएगा, काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा। आप अरेंज करो, मुझे खाली टाइम बता देना कब आप अरेंज कर रहे हो, कल 8:30 बजे वैसे इक्विलिब्रियम की क्लास है, और इक्विलिब्रियम आपको पता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा आपको इक्विलिब्रियम। मैम इक्विलिब्रियम के मैम कभी क्वेश्चन इजी लगते हैं, कभी टफ लगते हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, तभी बोल रही हूँ मैं, कल इक्विलिब्रियम के 8:30 बजे क्लास रखा है मैंने, कम एंड ज्वाइन। आपकी सीबीएसई की क्लास के बाद इमीडिएटली मैं स्टार्ट कर दूंगी एंट्रेंस इक्विलिब्रियम का। मुझे इसके लिए एक क्लास चाहिए, प्लीज अरेंज करो, इसके लिए एक क्लास अरेंज करो, या फिर परसों लेंगे। और फिर इक्विलिब्रियम का नहीं नहीं, जो है उसमें मेरे ख्याल से कुछ बचा हुआ है, मैं अगर आप कहोगे तो मैं नाटस दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैम पुराने वाले का आंसर दे दो मैम। ओहो तुमने जो केमिकल वाला दिया था ना, केमिकल इक्विलिब्रियम, हाँ हाँ ठीक है अमन, ठीक है वो मैं भेज देती हूँ, देखते हैं वो मैं भेज दूंगी आपको, जो भी टेस्ट पेपर मैं दूंगी, आज भेजूंगी ना भेजू कुछ भी करूं, टेस्ट अगर मैंने भेज दिया ना, डन कर देना है उसे। ठीक है, कल कल मिलते हैं फिर।